वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज मैं आई हूँ जापान के नर्सरी स्कूल जहाँ पे 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ कि इनका एजुकेशन सिस्टम कैसा रहता है एंड ये वीडियो बहुत ही अवेटेड वीडियो थी, सॉरी इसके लिए मैंने बहुत बहुत ज़्यादा वेट करवाया आप सबको। सो आज मैं यहाँ पे आपको उनके स्कूल की छोटी छोटी सी चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे बच्चे खाना कैसे खाते हैं, यहाँ पे इनको पढ़ाया क्या जाता है। लाइक जैसे ना जापान का एजुकेशन सिस्टम ना वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा माना हुआ जाने वाला सिस्टम है बिकॉज ये अपनी इनके एजुकेशन सिस्टम में मॉरल्स एथिक्स उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो आई थॉट क्यों ना मैं आज आपको यहाँ के स्कूल के बारे में दिखाऊँ। सो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको यहाँ का स्कूल का थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाती हूँ। कैन सी दिस इज द प्लेग्राउंड एंड यहाँ पे इतने सारे झूले हैं बच्चों के लिए। यहाँ पे धूप की वजह से इन्होंने अच्छे से इसको कवर किया हुआ है। एंड ये क्या है, बच्चों का प्ले का ऐसे ही होगा ना? हाँ, ये बच्चों का प्ले हाउस है। सो अभी हम जा रहे हैं एक क्लासरूम को देखने के लिए एंड ये सामने जो आपको शेल्फ दिख रहा है ये आउटसाइड शूज हैं, अंदर के बच्चों के शूज अलग रहते हैं। अब हमें फिर से यहाँ पे अपने शूज निकालने हैं एंड गए एंड आउटसाइड अपने शूज पहने हैं। अच्छा, आपने दिस इज सो क्यूट, बच्चों की हाइट के हिसाब से बनाया हुआ है। अरे सामने इतना क्यूट सा छोटा सा टॉयलेट। And now we are going to class. छिप जाते हैं। हाँ, एंड ये हम आए हैं कुकू की क्लास में। कुकू क्या कर रही है? आमी मतलब? आमी ना, आमी जानू का पूरा नाम है एक आमी है। आमी, और आपका नाम? नमाइवा? क्या? कन्ना, कन्ना। ओके, एंड आपका? मेरे से बाजू में तो थोड़े लड़के भी हैं। लड़के भी हैं? हाँ, जो मुझे ऐसे करते हैं। एंड ये बच्चे ओरिगेमी कर रहे हैं। एंड इस क्लासरूम में छोटे छोटे बच्चे बहुत ही सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बना रहे हैं। किसी क्लासरूम में बच्चे ओरिगेमी कर रहे हैं, किसी में ब्लॉक से खेल रहे हैं और किसी में ड्राइंग्स चल रही हैं। एक चीज़ जो मुझे स्कूल में आके बहुत अच्छे से समझ में आई ना कि यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये जो आपको सब दिख रहे हैं सफाई करते हुए, ये सब टीचर्स ही कर रहे हैं। और ये सब जो क्लोथ्स रखे हुए हैं ये सब सफाई करने के लिए ही क्लोथ्स रखे हुए हैं। बच्चे जो खुद खेल रहे हैं बाद में वो उसको उठाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि उन्हें स्कूल भी साफ करना होता है। जैसे अभी इस यहाँ पे बच्चों ने अपना सारा सामान खुद से ही उठाया है, सारी क्लास क्लीन है अभी। ये है बच्चों का प्रॉपर क्लासरूम, ये है इनके बैग्स। कुकू आपका बैग किधर है, अपना बैग दिखाओ। ओके, दिखाइए। कौन सा? बाहर निकाल के दिखा दो। ओके, हाथ धो रहे हैं। अब खेलने जा रहे हो? अरे
एंड यहाँ पे टीचर्स ये सब सफाई कर रही हैं, सब काम करती हैं। अच्छा, और उसके ऊपर क्या आपका नाम लिखा है? आओ,